हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि दोस्तों, आप एक फ़ोन पे नंबर से आप किसी दूसरे फ़ोन पे नंबर पर आप मनी ट्रांसफ़र किस तरीके से कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप एक फ़ोन पे नंबर से किसी दूसरे फ़ोन पे नंबर पर आप पैसा किस तरीके से भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो मेरे भाई वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहले और तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एक प्यारा कमेंट भी कर देना है। तो दोस्तों देखिए, होता यह है कि दोस्तों, आप सभी लोग न्यू फोन पे यूजर हैं, आपको ये पता नहीं होता कि एक फ़ोन पे नंबर से किसी दूसरे फ़ोन पे नंबर पर आप मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, कैसे पैसा को भेज सकते हैं। उनके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके फ़ोन पे में जो भी फिंगर लॉक या पैटर्न लॉक है, अपने लॉक को इस तरीके से एंटर कर देना है। दोस्तों, लॉक को एंटर करने के बाद अब आप सभी को क्या करना है दोस्तों, यहाँ आपको दिख जाएगा दोस्तों टू मोबाइल नंबर। तो आप सभी को टू मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके पास इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ऊपर में दिख रहा होगा सेंड मनी। तो दोस्तों, यहां आपको क्या करना है दोस्तों, इंटर मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप जिस नंबर पर आप मनी ट्रांसफर भेजना करना चाहते हैं, जिस नंबर पर आप पैसा भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करना है दोस्तों, यहां से आपको नंबर को डायल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अच्छे से आपको नंबर को इस तरीके से जो है ना डायल कर लेना है। ध्यान से आपको नंबर को डाल लेना है दोस्तों, कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरीके से मैंने नंबर को डाल दिया हूँ। तो दोस्तों, नंबर को डालने के बाद दोस्तों, इस नंबर पर फोन पे अकाउंट बना हुआ होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये एमडी हसनैन करके नाम पर बना हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस नंबर पर अभी मैं क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है दोस्तों, आप हाई करके भेज सकते हैं या तो फिर पहले एक रुपया आप उसे सेंड कर देना है। तो एक रुपया करके और सेंड कर देना है। इतना काम करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इंटर अमाउंट और चैट। तो आप सभी को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप कितना रुपया इस फोन पे नंबर पर भेजना चाहते हैं, तो दोस्तों जितना भेजना चाहते हैं आपको क्या करना है, यहां से जितना भेजना चाहते हैं आप लोग इस तरीके से डाल लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं भेजना चाहता हूं 3000। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने 3000 यहां पर लिख लिया। उनके बाद दोस्तों, यहां आपको साइड में दिख रहा होगा दोस्तों पे। तो आप सभी को पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, पे के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप सभी के सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहां पर आपको यह बताया जा रहा है कि आपने जो भी अपने फोन पे का यूपीआई पिन रखे होंगे, अपने यूपीआई पिन को अच्छे से फिल कर लेना है। तो इस तरीके से अपने यूपीआई पिन को एंटर करने के बाद यहाँ आपको सही वाले टिक के ऊपर क्लिक। तो फाइनल दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस नंबर पर फोन पे से नंबर पर एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन में पैसा चला गया। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ आपको व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप व्यू डिटेल भी देख सकते हैं दोस्तों, इनका ट्रांजेक्शन वगैरह चेक कर सकते हैं दोस्तों। आप इस तरीके से फ़ोन पे नंबर से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कर देना। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।